मैं प्रवीण अलावत हूँ। हम इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आप जानते हैं परसों महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर हरियाणा में खाप पंचायत हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया कि आज इंडिया गेट तक कैंडल मार्च है वो रेसलर्स निकालेंगे और समर्थन के लिए देश के प्रदेश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। एक महीने के दौरान जो बातें वो सामने आई उसमें इस आंदोलन को एक प्रदेश का बनाने की कोशिश की गई, उसके बाद आंदोलन को एक कास्ट का बनाने की कोशिश की। मेरे साथ दो युवा साथी हैं, बहुजन समाज से ये आते हैं, उत्तर प्रदेश के बागपत से ये आए हुए हैं। जंतर मंतर पर अगर आप आते हैं तो शायद ऐसे आलोचकों को ये तस्वीरें खुद ब खुद है वो जवाब दे देती है और काफ़ी ज़्यादा बहुजन समाज के लोग हैं आज जंतर मंतर पर देखा जा रहा है। जाहिर है समर्थन करने के लिए आए हैं, कैंडल मार्च में एक हिस्सा या पार्ट लेने के लिए आए हैं। मैं जानने की कोशिश करता हूँ आपका समर्थन आखिरकार क्यों है रेसलर्स के साथ। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। हमारा समर्थन ये है क्योंकि देखो अगर देश की बेटियों के लिए है, भीम आर्मी से हम हैं, भीम आर्मी जिला प्रचारक में करणवीर हूँ बागपत से, ठीक है। अगर देश की बेटी जब सुरक्षित नहीं होगी तो देश की बेटी किसी कास्ट की नहीं होती, ठीक है। अब हमारी बहन बेटी यहाँ ही हुई है, अगर हम ये बोल ले भाई ये तो उस कास्ट की हम समर्थन नहीं करेंगे। देखो जो लड़की होती है, महिला होती है, बाबा साहब ने कहा था भाई नारी के लिए बाबा साहब ने भी संघर्ष किया है तो हम भी संघर्ष कर रहे हैं। जैसे हमारे भीम आर्मी चीफ का आह्वान होगा हम उसी प्रकार उनका वो ठीक है। भीम आर्मी देखिए आपका एक संगठन है, लेकिन मैं निजी तौर पर भी आपसे जानना चाहता हूँ, देश ये भी कह रहा है कि ये एकजुटता हाथरस के वक्त है वो हो जानी चाहिए थी सभी की। जी यस, हो जानी चाहिए थी जी बिल्कुल। हाथरस भी जो हुआ मतलब पूरा देश है हिल गया था, लेकिन हो ये रहा है कि हाथरस कांड मान लीजिए होता है, एक उसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ समाज इकट्ठा हो जाता है तो अलग अलग करके जो टूटता है उससे शायद ये नुकसान है वो होता है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश से इतनी दूर आने का मकसद क्या? मकसद यही है जब तक हमारे घर में ही बहन बेटी है, जब तक मानने वाले हम तो यहाँ अपनी माँ बहनों की, अपनी बहन बेटियों की मान के यहाँ इन्हें सपोर्ट करने आए हैं। कुछ लोग ये भी कहते होंगे जाट बैठे हुए हैं आप क्यों जा रहे हैं, कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल। उनको क्या जवाब देते हैं? उनको जवाब ये देते हैं भाई ये भी हमारी बहन बेटी है, जब तक हम इनकी सपोर्ट नहीं करेगा और इनकी कौन सपोर्ट करेगा। भाई बाबा साहब ने कहा था वोट की जो वह है, अगर एक वोट की वैल्यू एक बेटी से भी ज्यादा है जब हम तो अपनी एक वोट को भी ना अपनी एक बेटी मानते हैं। इसी प्रकार हमारी बेटी है, हम तो उसे वोट ही मान के चल रहे हैं। बेटी जो हमारी होती है एक सम्मान होती है, ठीक है। देखिए आप संविधान का जिक्र करते हैं, बाबा साहब का जिक्र करते हैं, ठीक है, अच्छे से आप समझते भी हैं सभी चीज़ों को। तो पोक्सो एक्ट में कहा जा रहा है कि आज से पहले किसी को छूटें नहीं मिलती है, उसके बावजूद भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, क्या संविधान पे हमला एक तरीके से ये है? बिल्कुल, ये संविधान पे हमला है। 2014 से अब तक संविधान पे हमला ही होता आया है। अगर किसी आम इंसान के ऊपर कोई FIR भी दर्ज हो जाती है उसे तुरंत के तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। और यहाँ एक ये गुंडा बैठा है जो आज एक महीना हो गया है अभी तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ये संविधान का ही तो हमला है, संविधान ही तो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। और जाहिर तौर पर इतने पैसे वाले तो आप नहीं होंगे, एक आम आदमी हैं और बहुजन से तो हैं, जाहिर तौर पर करोड़पति तो होंगे नहीं, तो आज ही आए हैं इससे पहले भी आप आए? हमें तीसरा दिन है हाँ। तो पाई पाई जोड़ के आना पड़ता होगा। देखिए भाई भट्टे पे मजदूरी करते हैं, पाई पाई दे बहुजन समाज करते हैं फिर भी आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रभाव आपके जीवन पे कहाँ से आया इतनी छोटी सी उम्र में, और काफी तजुर्बा और बेहद अच्छी बातें आप रखते हैं? ये सबसे पहले तो मेरे बाबा जी थे, वो सत्संग में जाते थे, वहाँ से बदवाणी गाते थे। एक संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के कारवे को वो भी आगे बढ़ा रहे थे अपनी बुलंदाबाद से, तो मैं भी उनके साथ जाता था, तो कुछ उससे फर्क पड़ा मुझे भाई। उसके बाद में भीम आर्मी चीफ जो वहाँ गिरफ्तार रहे वो सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने उस दिन से ही सोच लिया था भाई करना है तो कुछ समाज के लिए करके जाना है, क्योंकि पैदा तो एक जानवर भी करता है और मर जाता है। चंद्रशेखर का भी बेहद जिक्र हो रहा है, जैसे हरियाणा में भी बेहद जिक्र हो रहा है चंद्रशेखर का, और कि बहुजनों का एक बड़े लीडर के तौर पर वो उभर रहे हैं, और जब बहुजन शब्द आ जाता है शायद उसमें फिर कोई कास्ट या इस तरह की चीज़ें हैं वो रहती नहीं है, तो अच्छा काम कर रहे हैं चंद्रशेखर। यस बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं जनपद बागपत से आया हूँ। बागपत से आप आए हैं, लोग तो कह रहे हैं, कुछ ट्रोल आर्मी कह रही है कि ये जाट हैं हम क्यों जाएं, आप क्यों आए फिर?
जी देखिए, हम किसी कम्युनिटी को नहीं मानते हैं और ना ही हम किसी कास्ट और किसी बिरादरी पे कोई रखते हैं। हम सिर्फ एक बहनों और बेटियों के सम्मान में हम लोग यहाँ पे आए हैं, जैसा कि भाई का आदेश हुआ है। हाथरस को लेकर बेहद आहत हुआ बहुजन समाज उस वक्त पे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना थी और जैसे भी आज के टाइम में बीजेपी सरकार जैसे चल रही है, ये बहुत ही निंदनीय घटना थी और आज भी लगातार 2014 से बहन बेटियों और जो बहुजन समाज के लोग हैं उन पर बहुत ही अत्याचार होता आ रहा है। बीजेपी की राजनीति कुछ लोग कहते हैं कि बांट के है, वो की जा रही है कि आपस में भिन्न कर दिया जाए, चाहे जातियों की बात हो चाहे समाज की बात हो, बहुजन कैसे देखता है इस मूवमेंट को? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है क्योंकि ये जो है कास्टरिज्म पे बात करते हैं और हिंदू, जैसे कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई में बांट के बात करते हैं, क्योंकि इनका एक ही एजेंडा है कि समाज तोड़ो और राज करो, फूट डालो राज करो। ठीक है, जो संघी विचारधारा है उस मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट है, वो कैसे मतलब काउंटर करेगी? काउंटर करना पड़ेगा। देखो, अभी आपने देखा होगा 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, उस नए संसद भवन में बाबा साहब की एक मूर्ति भी नहीं रखी गई। हाँ। क्योंकि बाबा साहब संविधान के रचयिता है और उनको वो सम्मान नहीं दिया गया जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, और ये लोग बाबा साहब को मानने का एक नाटक करते हैं, एक दिखावा करते हैं, और दिखावा इसलिए करते हैं कि वो उनकी वोट पा सके। लोग जब सड़कों पे उतरते हैं तब संविधान है वो तो याद आ ही जाता है, फिर आता है। बिल्कुल, फिर आता है याद। बड़ा दल आज आपका हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि काफी भारी संख्या में आप लोग आए हैं। हमारा 27 राज्यों में संगठन है और यहाँ से अभी लड़के भी कुछ आ रहे हैं और भी हमारे साथी भी आए हैं, कुछ हमारे साथी ये भी है, तो बहुत बड़ा संगठन है, 27 राज्यों का है। और जैसा भी हम भीम आर्मी चीफ का आदेश होगा बड़े भाई का, तो ऐसे ही यहाँ पब्लिक आ जाएगी। उन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई मैं आ गया हूँ तो मेरे जाने वाले भी आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें उस आलोचकों को करारा जवाब देती हैं जो ये कहने की कोशिश करते हैं एक प्रदेश का या एक पर्टिकुलर कास्ट का मूवमेंट है। और देखिए, बहुजन उस बात को बिल्कुल समझते हैं कि संविधान के साथ क्या हो रहा है, क्या आइडियोलॉजी के साथ जो सरकारें हैं वो कैसे काम कर रही हैं। अब देखिए, एक साधारण कहते हैं कि मजदूरी करता हूं लेकिन बहन बेटियों के लिए मैं यहां पे आया हुआ हूं। जंतर मंतर के लगभग प्रत्येक कोने में आपको ऐसी खबरें हैं वो मिल जाएंगी जो खुद ब खुद उस बात का जवाब देंगी। और हो सकता है अभी तक शायद आप यहां आके ना देखते हों तो आप उस ट्रोल आर्मी के जाल में हैं, जरूर फंस जाते हों। चंद्रशेखर का बड़ा सहयोग जंतर मंतर धरने पर पहलवानों को मिल रहा है और मिल रहा है तो जहाँ से रेसलर्स आते हैं हरियाणा प्रदेश से, वहाँ भी चंद्रशेखर को लेकर बेहद चर्चाएं हैं बैठकों में कि चंद्रशेखर रावण हैं वो इस मूवमेंट को, रेसलर प्रोटेस्ट को है काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और हो सकता है इस मूवमेंट के बाद चंद्रशेखर है ना, चंद्रशेखर रावण एक किसान बिरादरी में भी एक बड़े बहुजन नेता के तौर पर, उनकी चर्चा तो फिलहाल हो चुकी है किसान बिरादरियों में भी, और एक बड़े बहुजन लीडर के तौर पर भी वो यहां से उभर के वो निकलेंगे। शुक्रिया।